एमसीबी बैंक के अंदर अगर आपने डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया है तो अब आपको जो है वो ईमेल आ रही हैं, कॉल आ रही हैं कि आप अपना डिजिटल जो भी आपने अकाउंट ओपन करवाया था उसको जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं, ब्रांच विज़िट करें। तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अब आप घर बैठे जो है वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप जो है वो अपना घर बैठे जो है वो एमसीबी बैंक के अंदर डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में भी वीडियो शो हो रही होगी और आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से घर बैठे जो है वो आप एमसीबी बैंक के अंदर अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और घर बैठे जो है वो अब आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। आपको जो है वो कहीं भी ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, एमसीबी लाइव एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये नीचे एक्सप्लोर मोर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। तीन ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग वेरिफिकेशन ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे काम का है, लेकिन नीचे ऑप्शन है आई बैन जनरेट और इसके नीचे है रेमिटेंस ट्रैकर। अगर आप जो है वो रेमिटेंसेज जो है वो ट्रैक करना चाहते हैं जो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, आई बैन हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये अजाफी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके काम आ सकती हैं आगे चल के। तो हम सिंपली जो है वो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग वेरीफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारे से ट्रैकिंग आई डी पूछेगा, सी एन आई सी का नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, अकाउंट नंबर पूछेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आपने एमसीबी डिजिटल अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको ईमेल जो है वो आया होगा, तो उस ईमेल को ओपन करें। वहाँ पर जो है वो ये तमाम डिटेल्स होंगी, आपका ट्रैकिंग कोड भी होगा, आपका सीएनआईसी का नंबर तो आपको मालूम ही होगा, मोबाइल नंबर भी आपको मालूम होगा, अकाउंट नंबर जो है वो उस ईमेल के अंदर लिखा होगा। तो ये दो चीज़ें जो है वो आपको चाहिए होंगी, तो ये दोनों चीज़ें आपको उस ईमेल के अंदर से मिलेंगी, ट्रैकिंग आईडी और अकाउंट नंबर। ये तमाम चीज़ें एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब जैसे जैसे ये आपको हाथ का इशारा बताएगा उसी तरह से जो है वो आपने हाथ जो है वो अपने कैमरे के आगे रख कर अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन करवा देने हैं। तो जैसे ही आपका सक्सेसफुली जो है वो ये स्कैनिंग कर लेगा तो सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आपने अगले हाथ को जो है वो स्कैन करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लोगों को जो है वो यहाँ पर काफ़ी मसला आता है, उनकी स्कैनिंग नहीं होती है तो ये रिजेक्ट रिजेक्ट करता रहता है। तो अगर आप जो है वो यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं और आपका कैमरा ओपन है और अगर तो आपके मोबाइल की टॉर्च जो है वो ऑन है तो फिर तो ये अच्छे से जो है वो स्कैनिंग कर लेगा और सक्सेसफुली जो है वो आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।